नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक मलिक। बात करेंगे आज ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिससे हम डे स्कैल्पिंग करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लाख रुपए लेकर लेके बैठते हैं इस डे स्कैल्पिंग ट्रिक पे, तो हम आराम से 20-30 हज़ार रुपये इस ट्रिक से लेकर डेली उठ सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, कौन सा इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे, वो सारे इंडिकेटर आपको बताने वाला हूँ। और तीनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन करके जो हमारे पॉइंट मिलेंगे, बाय पॉइंट कौन सा होगा, सिग्नल और शॉर्ट सिग्नल कौन सा होगा, लॉन्ग सिग्नल कौन सा होगा, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर अभी आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम नहीं है तो वीडियो को वॉच लेटर में डाल दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि बाद में आप आसानी से इसको ओपन करके देख सको कौन से वो इंडिकेटर है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखना हमें, क्योंकि हम जिनकी डे स्कैल्पिंग करेंगे, ये हमारा BTC USDT का चार्ट है, तो इसको सबसे पहले हम कर देते हैं 5 मिनट, क्योंकि हमें क्या करना है, स्कैल्पिंग। हमें कोई लंबी ट्रेड लेनी नहीं है, पैसा लगाना, थोड़ी सी देर में अपना प्रॉफिट उठाना है और बाहर निकल जाना है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 5 मिनट का ये हमारा चार्ट है। अब हम जाते हैं अपने इंडिकेटर में। इंडिकेटर में जाके हमें सबसे पहले क्या सर्च करना, पीवट, PIVOT, पीवट। पीवट में ये इतने सारे आ जाएंगे, तो हमें कौन सा लेना, स्टैंडर्ड पॉइंट वाला, ठीक है। स्टैंडर्ड पॉइंट वाले पे कर देंगे हम सिंगल क्लिक, बैक आ जाएंगे। सबसे पहले इस इंडिकेटर के बारे में मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रहा है पीवट, P1 पीवट, R1 यानी रेजिस्टेंस 1, R2 रेजिस्टेंस 2, S1 सपोर्ट 1, S2 सपोर्ट 2, ठीक है। कोई भी लाइन हो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें देखनी नहीं है। अगर ये इसके ऊपर है तो ये लाइन जो रेजिस्टेंस 1 है, ये इसके लिए एज ए सपोर्ट काम करेगी। ये नीचे है, ये मान के चलो यहाँ पे आ गया, और ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट हमें यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी। तो ये सारी लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें नहीं देखना, केवल लाइन है ये, नीचे से ऊपर जा रहा रेजिस्टेंस का काम करेंगी, ऊपर से नीचे आ रहा सपोर्ट का काम करेंगी। इतना क्लियर है। चलिए तो अब हम अपना लगा लेते हैं दूसरा इंडिकेटर, दूसरा इंडिकेटर जिसका नाम है, सबसे पहले इसकी सेटिंग बता देता हूँ मैं आपको पीवट की। तो जब आप इसकी सेटिंग करोगे, इनपुट्स में जाओगे, तो यह टाइप में ना ट्रेडिशनल आता है, तो इसको कर लेना है क्या, फिबोनाची। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टाइम फ्रेम इसमें ऑटो आएगा, इसको कर लो डेली। बस दो सेटिंग छेड़नी है, बाकी कलर वलर कुछ नहीं छेड़ना, इसको कर लेना है ओके, ठीक है। अब हमारा बन गया ये फिबोनाची के सपोर्ट लेवल्स, बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो होते हैं, बाकी कोई हमें सेटिंग छेड़नी नहीं है। चलते हैं अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ। दूसरा इंडिकेटर कौन सा होगा हमारा, VWAP। VWAP क्या है, एक ऐसा एवरेज प्राइस है जिसमें वॉल्यूम भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। वॉल्यूम वैपिड एवरेज प्राइस, इसकी सेटिंग में हमें क्या करना, इसकी सेटिंग में जाओ, VWAP की सेटिंग में जाओ। इसकी अपर बैंड और लोअर बैंड इसको कर देना है क्लोज। अब हमारे पास एक सिंगल लाइन, ठीक है, क्लियर इतना। अब चलते अपने तीसरे इंडिकेटर की तरफ जिसका नाम है स्टोकेस्टिक RSI, ना केवल स्टोकेस्टिक ना RSI, ये है स्टोकेस्टिक RSI। इस पर कर लेते हैं सिंगल क्लिक। आप देखिए ये स्टोकेस्टिक RSI क्या है, एक प्राइस मूवमेंट है जो 0 से 100 की तरफ चलता है। अब देखिए हमें इनको यूज कैसे करना, कहाँ पे हमारा लॉन्ग सिग्नल बनेगा, कहाँ पे हमारा शॉर्ट सिग्नल बनेगा, इस चीज पे हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हमारी VWAP लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर प्राइस है और अभी सपोर्ट से जस्ट वो ऊपर भी है जो हमारी ये पिवट लाइंस है, और हमारी जो स्टोकेस्टिक RSI है वो ब्लू लाइन रेड को काट के ऊपर जा रही है, तो क्या बनेगा हमारा, बाय सिग्नल, ठीक है। अभी की प्राइस मूवमेंट नीचे आ रही है, यहां पे बनेगी इसकी सपोर्ट, उस टाइम ये ब्लू लाइन येलो ऊपर करेगी जब इसका प्राइस मूवमेंट ऊपर होगा। पीछे देख लेते हैं, चलिए 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 यहां देखते हैं। ये देखो यहां पे S1 पे था ये, जब ये S1 पे था तो देखिए ब्लू लाइन ने रेड को पास आउट किया, बट हम यहां पे एंट्री नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि VWAP से अभी भी प्राइस नीचे है, अभी हमारे VWAP ने कंफर्म नहीं किया, ठीक है। अब हम वेट करेंगे जब VWAP कंफर्मेशन देगा। इसकी सपोर्ट से ऊपर है, ये हमारी कौन सी लाइन है, VWAP लाइन है, इसको ब्रेकआउट कर दिया, और हमारी RSI ने भी येलो लाइन को काट के
ऊपर की तरफ आया, तो यहां पे हमारा क्या बन गया, बाय सिग्नल। ठीक है, यहां पे हमने कर दिया लॉन्ग, चल भाई चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कहां तक पहुंचा, आर वन रेसिस्टेंस वन तक। ठीक है, आर वन तक पहुंच गया रेसिस्टेंस वन तक, और यहां पे हम देखते हैं हमारी ब्लू लाइन येलो लाइन से नीचे आ गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट बन गया ये हमारा। इसका मतलब ये नहीं कि हम शॉर्ट कर दें, शॉर्ट हम जब तक नहीं करेंगे जब तक वी वेब से नीचे नहीं आएगा, केवल हमें इतना सिग्नल मिला कि हम अपनी जो पोल है, हमारी जो लॉन्ग खुल रही है, उसको हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर ले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर आगे आए। यहाँ हम थोड़ी देर शांत बैठ के अपने परफेक्ट एंट्री का मौका ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए मिली, नीचे की तरफ ब्रेक किया वी वेब को। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको दिखाता हूँ मैं आपको, वर्टिकल लाइन खींचते हैं ए, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जो RSI है, ये देखो इससे वी वेब से नीचे आया और हमारा RSI भी उसके नीचे है। ठीक है, हमने थोड़ी सी वेट करी बट हमने देखा RSI फिर से हमारी येलो लाइन को काट के ऊपर आया और यहाँ पे वी वेब को भी इसने क्रॉस किया, तो हमें फिर से एक कंफर्मेशन किस चीज की मिली, लॉन्ग की मिली। तो हमने फिर यहां से लॉन्ग किया और यहां पे अपना प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, स्कैल्पिंग है 5-5 मिनट की, हमें 5-5, 6-6% अपना ठीक ठाक अमाउंट और ठीक ठाक लेवरेज लेके करनी है क्योंकि कंफर्म कॉल होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे देखिए RSI ने फिर से एक येलो लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया हमारी ब्लू लाइन ने, बट वी वेब से नीचे, तो यहाँ पे अभी हम एंट्री लेंगे नहीं, कब तक वेट करेंगे, जब तक ये इसको ब्रेकआउट नहीं करता। वी वेब को ब्रेकआउट किया, प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस काफी ऊपर है, हमारी ब्लू लाइन स्टिल येलो लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, लॉन्ग लेंगे। दो तीनों जगह से हमें कंफर्मेशन मिल चुकी, अब हम यहां से लॉन्ग ले लेंगे। ठीक है, लॉन्ग लिया, चलता रहा जैसे ही हमारी लाइन येलो लाइन से नीचे आई, प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, देखो एंट्री कहां पे ली थी हमने, एंट्री ली थी यहां पे। ब्रेकआउट किया वी वेब को, ब्लू लाइन हमारी येलो से ऊपर है, एंट्री ली, जैसे हमारी ब्लू लाइन येलो के नीचे आई हमें एग्जिट ले लिया, तो ये जितना भी हो गया हमारा ये हो गया प्रॉफिट। ऐसे ही पॉइंटों की हमें वेट करनी है, ऐसा नहीं कि आंख मीच के कहीं से भी इसमें एंट्री ले ली, कहीं पे भी इसमें एग्जिट ले ली, जब तीनों इंडिकेटर एक सिग्नल हमें प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट का या लॉन्ग का, उसके बाद ही हमें अपनी एंट्री लेनी है। और जहां पे हमने एग्जिट ली, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहां से शॉर्ट खोल लेंगे, भले ही नीचे जा रहा है वो, बट स्टिल हमारे वीवैप के ऊपर है प्राइस, तो हमें वीवैप कंफर्मेशन नहीं दे रहा शॉर्ट की, तो हमें शॉर्ट करना ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट होते हैं, हमें संयम रखना होता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम संयम ही नहीं रख पाते अपनी किसी भी ट्रेड में। ठीक है, और जब संयम नहीं रख पाते, हड़बड़ाहट में अपना लॉस कर लेते हैं, फिर बोलते हैं ट्रेडिंग तो यार जुआ है। जुआ बताऊं क्या है, जुआ दुनिया की हर वो चीज जो हम पे करनी नहीं आती वो जुआ है। हम पे मिठाई नहीं बनानी आती, हम मिठाई की दुकान खोल लेंगे तो वो भी जुआ है। ठीक है, हम पे कपड़े नहीं सिलने आते, हमने टेलर की दुकान खोल ली तो वो भी जुआ है। तो जो चीज हम पे नहीं करनी आती वो करेंगे तो जुआ है। सबसे पहले ट्रेडिंग को सीख लो, और ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है संयम रखना। ठीक है, तो इस चीज को हमें अपने ध्यान में रखना, अपने पॉइंट में रखना, अपने नजर में रखना, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। महाभारत के दौरान जब युधिष्ठिर कौरवों से जुआ खेल रहा था, जब वो सब कुछ हार गया था, तो जुआ वहां कितने लोग खेल रहे थे, वहां जुआ केवल एक लोग खेल रहा था, वो युधिष्ठिर, क्योंकि उस पर खेलना नहीं आता था। शकुनी नहीं खेल रहा था, शकुनी तो उस चीज में परफेक्ट था, उसकी प्रैक्टिस थी, वो तो अपना नेचुरल गेम खेल रहा था, बट जुआ कौन खेल रहा था, युधिष्ठिर, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं थी। ऐसी कोर में आकर वो उसकी फंस गया जहां पे उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक तो आप खोगे। ये स्ट्रेटेजी, ऐसी स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूँ, एक तो फ्री है ये बिल्कुल, तीनों इंडिकेटर है। ज्यादा इंडिकेटर इसलिए नहीं लगाए क्योंकि भाई सभी लोगों के पास मोस्टली फ्री वाला ही अपना ट्रेडिंग व्यू होता है, बेस्ट है ये सब चीज, इसी पे दिमाग लगाओ। अभी देखो आने वाले टाइम में आप क्या काम करोगे, जब वीवैप को तोड़ के प्राइस नीचे आ जाए, ठीक है, और इस सपोर्ट या ये सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे आएगा है, और हमारी ब्लू लाइन येलो के नीचे होगी, तब हम यहाँ शॉर्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, प्रैक्टिस करो इस चीज की, अपना चार्ट खोल के आज कुछ मत करो, 10 बार आप पेपर ट्रेड लेके देखो, केवल इस स्ट्रेटेजी के ऊपर 10 बार पेपर ट्रेड लेके देख लो, 10 में से आप 9 बार अगर सक्सेसफुल होना हुए
बिल्कुल 10 के 10 बार होंगे अगर इस चीज को ध्यान में रख के काम करेंगे जो तीनों मैंने बताए। वीडियो चाहे 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, बट जब तक ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए जब तक हमें करना नहीं है। और इसमें अगर कोई ऐसी चीज है जो मैं बताना मिस कर रहा हूँ आपको, वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरा सब कुछ बता रहा हूँ, तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ग्रुप में आ जाइए, वहां पे मुझे डीएम कीजिए, एनी टाइम मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मेरी टीम का कोई भी इंसान आपको रिप्लाई करेगा। आप डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, हमारा प्रीमियम चैनल भी फ्री है, और हमारा गॉसिप्स के लिए एक ग्रुप बना हुआ वो भी बिल्कुल फ्री है। एनी टाइम कोई भी सवाल हो, किसी भी चीज के रिलेटेड हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग के रिलेटेड हो, स्टॉक ट्रेडिंग के रिलेटेड हो, हम वहां पर आपका जो रिप्लाई करने के लिए 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। तो उम्मीद है कुछ थोड़ा बहुत सीखने को आपको इसको इस स्ट्रेटेजी से मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भाई जरूरत है मुझे इस टाइम आपके प्यार की, आपके मोह की, आपके साथ की। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी आपके लिए लाने के लिए। बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, हौसला अफजाई करें, थोड़ा सा हमारा सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद सर।